अगर आपको झटपट सा मीठा खाना हो तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना दिखने में डिलीशियस लग रहा है ना, उससे कहीं गुना स्वादिष्ट बना था। मेरी बेटी का तो अभी फेवरेट वाला मिठाई हो चुका है, एक दफ़ा इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। ये मिठाई की जो रेसिपी है ना, बहुत ही जल्दी बन जाता है और यहाँ पे ना आप बहुत कम सामग्री में इसको बना सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए 500 ग्राम दूध लिया है, उसको भी बॉईल कर रही हूँ, और दो इलायची को देखिए इसको कूट लूँगी अच्छी तरीके से, और इसका छिलका को फेंक कर ना जो दाना वाला हिस्सा है उसको यहाँ पर पाउडर करके मैं डाल दी हूँ। अभी देखिए दूध में बॉईल अच्छा सा आने देंगे और इसको ना आधा कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब नारियल का बुरांदा ले रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर फ्रेश नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मीठा देखिए मैं यहाँ पे 4 चम्मच ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो हमारा दूध वहाँ पे पक रहा है, मैं यहाँ पे देखिए ब्रेड ली हूँ। अभी ब्रेड को ना देखिए इसके किनारों के हिस्सों को ना कट कर लूँगी। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद स्वादिष्ट होता है। बच्चे क्यों आपके घर में ना, मैंने बड़े भी ना बहुत ही खुशी के साथ खाएंगे। आप इसको ना डिज़र्ट के जैसे कुछ रेसिपी भी बनाकर रख सकते हो, कोई मेहमान हो तो आप उनके लिए भी बनाकर रख सकते हो, वो भी ना खाकर आपकी तारीफ के ना 4 चांद लगा देंगे। और इस देखिए ब्रेड के किनारों को फेंकेंगे नहीं, आप ब्रेड क्रम्स इसके कर सकते हो। और मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी। तो दोस्तों, मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे लिए न्यू हो तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, tannukitchen01। अभी यहाँ पर देखिए मैं दूध में ना कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर ऐड करूँगी, तो मैं 2 चम्मच के करीब ना यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, और पानी से ना इसको अभी देखिए अच्छे से घोल लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे दूध से भी इसको घोल सकते हो। और जब घुल जाए, अभी हमारा दूध देखिए 500 से 250 ग्राम के करीब हो चुका है, यानी कि आधा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को मिश्रण को यहाँ पे ऐड करके ना अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसी तरीके का ना इसका थिकनेस रखना है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और हमारा यहाँ पे देखिए दूध मतलब मलाई जैसा अभी बनकर तैयार हो चुका है। अभी इसको बंद कर देंगे और ना बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। और अब यहाँ पे मिक्सी बाउल में मैं देखिए 2.5 चम्मच के करीब चीनी ले रही हूँ, और इसका ना फाइन पाउडर बना लेंगे। और दोस्तों, आप बिना स्किप के वीडियोज देखा कीजिएगा, ताकि आप जिसमें कि अच्छे से समझ सको। अभी हमारा पाउडर भी बन चुका है, मैं यहाँ पे एक बर्तन पे देखिए ब्रेड को इस तरीके से सजा रही हूँ, और इसके ऊपर ना चीनी का पाउडर ऐड करके, और अभी सॉफ्ट होने के लिए ना गुनगुना गरम का दूध ऐड की हूँ, और इसके ऊपर देखिए मैं जो कस्टर्ड पाउडर का जो राबड़ी टाइप का जो बनाई हूँ ना, अभी इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और इसको ना बिल्कुल ढक देंगे, बिल्कुल कवर कर देंगे। और फिर से देखिए ब्रेड इस तरीके से इसको सजाएंगे, और फिर से चीनी का पाउडर, फिर से थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, और फिर से कस्टर्ड पाउडर का यहाँ पे मिश्रण को देखिए इस तरीके से कवर कर देंगे। बहुत ही अलग इसका टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया लगता है। और आप इसको ना मतलब थोड़े देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ना, तो इसका स्वाद और भी अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा। और एक और मैं यहाँ पे लेयर्स लगा रही हूँ ब्रेड का, लगभग मतलब मैं यहाँ पे 3 लेयर्स कर रही हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 3 लेयर्स ना ठीक है। और अभी यहाँ पे फिर से मैं चीनी ऐड की ना, अभी दूध नहीं ऐड की, हमारा जो यहाँ पर देखिए कस्टर्ड का जो राबड़ी है, राबड़ी को ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पे ना गार्निश कर रही थी, मेरा वीडियो कब ऑफ हो गया था मुझे पता नहीं था, तो ना अभी मैं देखिए थोड़ा सा ही ले पाई हूँ। और हमारा अभी देखिए डिज़र्ट बिल्कुल तैयार है, बड़ा ही मज़े का बना था, आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने यहाँ पे पिस्ता, थोड़ा सा रोज़ पेटल और थोड़ा सा आमंड बादाम से इसको गार्निश की हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे इसको गार्निश कर सकते हो। जब बन जाए ना, 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, और ठंडे ठंडा प्रेजेंट कीजिएगा, सभी को पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पर मेरा कुकिंग व्लॉग बंद करूँगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और कुकिंग व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा बना था।